साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा, ना होगी कैल्शियम की कमी, ना होगी खून की कमी, जोड़ों का दर्द छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा आसान और असरदार उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द, गठिया से परेशान हैं, तो ये नुस्खा आसान होने के साथ साथ बहुत असरदार भी है। तो दोस्तों, इस नुस्खे के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए सफेद तिल। सफेद तिल आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, आपके जोड़ों के दर्द को दूर करता है। और दोस्तों, अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं है तो आप इसको अभी से लेना शुरू कर दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको जोड़ों के दर्द की समस्या ना हो। साथ ही साथ ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, आपके बालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सफेद तिल से निकलने वाला तेल आपके स्किन को हाइड्रेशन देता है, साथ ही साथ ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आई साइट को भी ये बढ़ाने में मदद करता है और इसके अंदर काफी सारा प्रोटीन, काफी सारे ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं और आपकी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। वहीं दोस्तों, ये हाइट इंक्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपको यहाँ पर सफेद तिल चाहिए और अब आप एक हैवी कढ़ाई के अंदर 3 से 4 चम्मच सफेद तिल को एक कढ़ाई के अंदर डालकर हम इसको रोस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, हम इस नुस्खे को बनाएंगे। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है और इसकी वजह से आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, नाखूनों में बिल्कुल चमक नहीं रही है, तो ये नुस्खा आपके शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। तो इस तरीके से आपने इस अलसी, इन सफेद तिलों को आपने भूनना है एक हैवी कढ़ाई के अंदर। आप धीमी धीमी आंच पर इसको ऐसे रोस्ट कीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप इसको रोस्ट करने के लिए देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अब जब ये अच्छी तरह से ऐसे रोस्ट हो जाए, हल्के ब्राउन हो जाए, तो आप इसको एक बाउल के अंदर या फिर किसी प्लेट के अंदर आप इसको निकाल लीजिए। तो दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर ये स्टील के बर्तन के अंदर निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद दोस्तों, दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि आपको यहाँ पर चाहिए होगा, ये है मखाने। मखाने भी सेहत का खजाना होते हैं। मखानों के अंदर बहुत सारा कैल्शियम मौजूद होता है। दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे और मखानों का ऐसे सेवन करेंगे तो आपको कैल्शियम की दवाइयाँ या फिर सप्लीमेंट अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे रोज़ाना लेने से आपके शरीर में इतनी ज़्यादा ताकत आएगी, आपकी हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आपको कभी भी जोड़ों का दर्द, कभी भी जोड़ों में बेचैनी नहीं होगी। और मखाना खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं तो आपको थकान भी नहीं होती। तो दोस्तों, यहां पर इस नुस्खे को तैयार करने के लिए फिर से हम इन मखानों को भी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसी कढ़ाई के अंदर आप यहां पर इस तरीके से मखानों को डालकर इन्हें अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। मखाने आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, खासकर अगर आपको जोड़ों का दर्द रहता है या फिर आप बहुत ही जल्दी थक जाते हैं कुछ भी करने से और आपकी कमर में दर्द रहता है, तो मखाने आपके शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्तों, ये कैल्शियम का भंडार है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी अगर आप मखाने को इस तरीके से इसका सेवन करेंगे। मखाने को भी आपने धीमी धीमी आंच पर ही भूनना है, इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से आप इसको भून लीजिए। ये आपके शरीर में मांसपेशियों का भी निर्माण करता है और हाई बीपी वालों के लिए, डायबिटीज के लिए, ये दोनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें एनकेलाइड भी मौजूद होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने मखानों को भी अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं बादाम। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मूंगफली ले सकते हैं। बादाम आपके शरीर की सेहत के लिए कितने ज़्यादा अच्छे हैं तो आप सभी जानते हैं। एक स्टडी के अनुसार ये भी पाया गया है कि बादाम खाने वाले लोगों की उम्र ना खाने वालों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये आपके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी वीक आई साइट की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा ताकत देता है और आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है बादाम। और इसके अंदर विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी एनीमिया को दूर करता है और ये आपके शरीर में ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने 8 से 10 बादाम को लेकर इस तरह से ही ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। आपको इसे जलाना नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, इसी तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर देना है।
और बस जब ये ड्राई रोस्ट हो जाए तो आप इसको एक बॉल के अंदर, एक प्लेट के अंदर निकाल लीजिए। और ये तीनों चीज़ें आपकी इसी तरह से आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है। आंखों की कमजोरी, खून की कमी, शारीरिक थकान, मानसिक कमजोरी, इन ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से दूर कर देंगी। और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने सभी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर जार और इसके अंदर डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पाउडर तैयार है। ये आपके शरीर में खून की कमी, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। आप देख सकते हैं ये पाउडर अच्छी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है। इस पाउडर को आप किसी ग्लास कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको लेने का तरीका क्या होगा मैं अभी आपको बताती हूँ। इस पाउडर को लेने के लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई के अंदर एक ग्लास दूध डाल दूंगी। आप यहाँ पर किसी हैवी पैन के अंदर भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ये पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। ये दूध के साथ अच्छी तरह से पकाकर इसका सेवन आपको करना है। और दोस्तों आप इसको सुबह में नाश्ते के समय पर इसको ले सकते हैं या फिर शाम के खाने के 1 घंटे बाद इसको ले सकते हैं। दोस्तों इसको लेने से आपके शरीर में एक नई ताकत आएगी, एक नई चुस्ती फुर्ती आएगी और आपके शरीर में कैल्शियम की कमी, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में बेचैनी ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर इसको मीठा करने के लिए आप मिश्री या फिर गुड़ का सेवन कर सकते हैं। आप इसमें 1 चम्मच के बराबर गुड़ डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसका सेवन करें। इससे आपके शरीर में बहुत ही अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आने वाली ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।